जब हम लोग हाइड्रेशन करते हैं तो हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं, जो भी बॉन्ड टूटता है और बनता है। अब इसने बोला हाइड्रोक्सिलेशन, ठीक है। हाइड्रोक्सिलेशन का मतलब क्या, जब एल्कीन का बॉन्ड टूटेगा और जो नए दो बॉन्ड बनेंगे दोनों जगह पे क्या आ जाएंगे, हाइड्रोक्सी ग्रुप। दैट इज, बताया मैंने तुमको ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं हम लोग, दो कंपाउंड कंटेनिंग टू एल्कोहल, दैट इज ग्लाइकॉल्स, किनाकोल नहीं रहे। पिनाकोल बोल सकते हो, काइंड ऑफ है वैसे ही। ग्लाइकोल्स अपने को ये वर्ड था एकेडमिक में, तो ये वर्ड इसलिए मैं यूज कर रहा हूँ ताकि उनको भी समझ में आए। याद है? अब दो कंडीशन होती है, ये जो रिएक्शन होती है ना, चार रिएजेंट के प्रेजेंस में पॉसिबल है, ठीक है। एक होता है ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड, ठीक है। एक होता है KMnO4, इसका नाम तो पता ही है। और एक चीज है, एल्कलाइन KMnO4 कहीं तुमको दिख जाए तो इसको लोग कहीं कहीं पे बेयर्स रिएजेंट लिखते हैं, ठीक है, ध्यान में रखोगे। क्लियर है? AgO2, ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड। हाँ बताता हूँ ना भाई, अब भी करके देता हूँ। O4 ही है भाई, O5 नहीं है, OS है रे, ऑस्मियम। OS है, इसका नाम ही ऑस्मियम होता है ना, पीरियोडिक टेबल में देख। बहुत कुछ चीजें पहली बार होती हैं जिंदगी में, ठीक है। इनको क्या बोलते मालूम है, इस कंपाउंड को, कार्बोक्सिलिक है क्या ये? नहीं नहीं रे, इनको पेरोक्सी एसिड बोलते हैं अपन। मतलब मान ले अगर कहीं पे ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया है ना, ऐसे, तो ये कार्बोक्सिलिक नहीं है, इसको तब क्या बोलोगे, पेरोक्सी। और है तो इसी का फॉर्मेट है तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, बट पेरोक्सी वर्ड यूज होगा इसमें, पेरोक्सी बेंजोइक एसिड, नाम इसका उसी फॉर्मेट में आएगा, ऑइक एसिड के फॉर्म में, बट आगे पेरोक्सी वर्ड लग जाएगा क्योंकि पेरोक्साइड लिंकेज आ गई है ना इनके बीच में, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, इसके वजह से। तो इन चार रिएजेंट के प्रेजेंस में ये इसमें कन्वर्ट होता है, बट इसमें भी एक कॉन्सेप्ट है, ये दोनों हमेशा सिन एडिशन देते हैं, मतलब ऐसा वाला ग्लाइकोल बनाएंगे, और ये दोनों हमेशा एंटी एडिशन देंगे, ठीक है। अपोजिट साइड से, एक ऊपर से अल्कोहल आएगा एक नीचे से, अगर ये दोनों यूज कर रहे हो, ये दोनों यूज करोगे तो दोनों सिन एडिशन देंगे। मैकेनिज्म बताता हूँ, समझ में आ जाएगा। क्लियर? ठीक है, जैसे मान लो कोई एल्कीन है ऐसे, ठीक। KMnO4 कैसे ब्रेक होता मालूम है, के प्लस और MnO4 माइनस। MnO4 का माइनस का स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा तुमको, ऐसे दिखता है, डबल बॉन्डो डबल बॉन्डो डबल बॉन्डो ओ माइनस, ठीक है। तो ये जो एल्कीन है इसके पास जब ये कंपाउंड आता है तो ये लोग क्या करते हैं मालूम है, ऐसे, इन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है बट राइट होता ये है, ये ऑक्सीजन इस कार्बन से इंटरेक्ट हो जाता है और ये वाला इस ऑक्सीजन से, ठीक है। इसके बाद जब इसमें तुम वाटर ऐड करोगे, KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है, तो वाटर नॉर्मली क्या है, HOH, H और OH, ऐसे होगा ऑलरेडी, इसका बॉन्ड यहाँ पे अलग अलग है, तो ये क्या कर लेगा, ऐसे सेपरेट हो जाएगा यहाँ से, और ये ऐसे सेपरेट हो जाता है,
तो जिसकी वजह से तुमको सीन एडिशन देखने को मिलता है अल्कोहल का, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, समझा? ठीक है, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड का भी स्ट्रक्चर ऐसे ही होता है ऐसे, इसीलिए ये भी वैसे ही काम करता है जैसे KMnO4 काम करता है। तो समझा दूं कि समझ जाओगे? ठीक ठीक है, सेम ये ऑस्मियम यहाँ पे आ जाएगा, ऑक्सीजन यहाँ पे वाटर के प्रेजेंस में यहाँ से वो HOH बना लेगा, तो सीन एडिशन देता है ये। लेकिन एक दिक्कत है, क्या हुआ ये? मान लो तुम्हारे पास कोई एल्कीन है ऐसे, और इस पे या तो मैंने KMnO4 डाल दिया वाटर के प्रेजेंस में, या अब KMnO4 या ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड ले रहे हो तो मीडियम के लिए कुछ तो चाहिए, तो वाटर हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, ये कैसा एसिड है? तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा सेम साइड से बनेगा, मतलब इसका प्रोडक्ट मुझे ऐसे दिखेगा क्या? करेक्ट है? ठीक है, और सेम साइड से एडिशन हो रहा है, मतलब ये कैसा कंपाउंड बन रहा है? मेजो। और ये कंपाउंड क्या होगा? इनएक्टिव होगा। ठीक है, बट अगर यहां पे मैंने ट्रांस लिया होता, तब मेरा प्रोडक्ट ऐसे बनता था क्या? तब प्रोडक्ट कैसे बनता तुम्हारा? ऐसे, समझ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? ठीक है, तो जब तुम ट्रांस में ये चीजें डालोगे तो असेज में डालोगे तो मीजो बनेगा, बट अगर ट्रांस में डालोगे तो ये डीएल मिक्सचर बनाएगा, डेक्स्ट्रोन लिबियो, अलग अलग रोटेशन वाले। क्लियर? एंटी एडिशन में हम लोग क्या ले रहे थे? एजी प्लस O2 का मिक्सचर, और दूसरा मैंने क्या लिया था? पेरोक्सी। ठीक है, तो ये कंपाउंड स्टेबल होने के लिए क्या करते हैं मालूम है? जैसे एजी है तो ये एक ऑक्सीजन से तो बॉन्ड बना लेता है, एक नेसेंट ऑक्सीजन फ्री कर देता है इसे। ठीक है, ये भी कंपाउंड कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाता है, और यहाँ से भी एक नेसेंट ऑक्सीजन फ्री हो जाता है, और यही नेसेंट ऑक्सीजन का अपने को यही रिस्पॉन्सिबल है एक्चुअली में क्या करने के लिए, एंटी एडिशन के लिए। अब मान लो कि कोई सीज एल्कीन है तुम्हारे पास ऐसे, राइट? इस पे तुमने AgO डाल दिया, ये AgO क्या कर रहा है? एक नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है। नेसेंट ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाएगा, तो ये ऑक्सीजन या तो नीचे से चला जाए या तो ऊपर से आ जाए। तो जैसे ही ये नीचे या ऊपर से जाएगा, ये एक साइड को क्या कर देगा? पूरी तरह से ब्लॉक कर देगा। कैसे? ऐसे। ठीक है, अब जब तुम इसमें वाटर ऐड करोगे तो ये डिवाइड होगा H प्लस में और OH माइनस में। यहाँ पे ऑलरेडी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो ये OH नीचे से आएगा क्या? नहीं, ये OH अब क्या करेगा? ऊपर से किसी एक कार्बन पे अटैक कर देगा। जैसे ही ये बॉन्ड बनेगा, ऑक्सीजन अपना ये वाला बॉन्ड तोड़ के साइड में आएगा और ये दूसरा वाला हाइड्रोजन इससे जुड़ जाएगा, जिसके वजह से तुमको प्रोडक्ट ऐसे दिखेगा। यहाँ पे मान लो एक OH आ गया, और समझा क्या बोला मैंने हिंदी में? सीज वाले पे जब हम लोग ने एंटी एडिशन देखा किसका? Ag2O से, तो प्रोडक्ट क्या बना? एक OH यहाँ पे आया, एक OH ऊपर आया, राइट? तो जिसके वजह से हमको प्रोडक्ट कुछ ऐसा दिखेगा, अपोजिट डायरेक्शन में OH आएंगे, एंटी एडिशन।
ठीक है, तो प्रोडक्ट हमको मिला डीएल मिक्सचर। मान लो अब इसी के जगह पे अगर मैंने ट्रांस लिया होता तो मेरा प्रोडक्ट क्या बनता? अगर मान लो ऐसे मैंने लिखा हुआ है तब प्रोडक्ट क्या बनता? सोच के बोलना थोड़ा। अगर सीस पे डीएल बन रहा है तो ट्रांस पे क्या बनेगा? मीजो। क्लियर है क्या बोला मैंने? कैसे? एक OH आएगा ऊपर से यहाँ पे, एक OH आएगा नीचे से यहाँ पे, ठीक है। तो जब इसको तू बनाएगी तो देख, CH3 के एक साइड क्या है? H है, और दूसरे साइड क्या है? OH है। तो हम लोग नीचे वाला CH3 बना रहे हैं तो इसके भी एक साइड पे हमको क्या मिलेगा? OH। इसको 3D में अज्यूम करो, सॉहर्स प्रोजेक्शन के जैसे। सॉहर्स प्रोजेक्शन इसका कैसे होगा? ऐसे दिखेगा। CH3 मान ले ऊपर है, एक साइड पे क्या है इसके? हाइड्रोजन है, फिर दूसरा यहाँ पे, एक साइड पे CH3 और यहाँ पे H, ठीक। एक OH आया इस साइड से, एक OH आया इसके बीच में, तो घूम फिर के ये क्या बनाएगा? मीजो बनाएगा। जब इसको रोटेट करके तुम अज्यूम करोगे ना, या ऐसे ही तुम लोग डायरेक्ट ध्यान में रखो, अगर सीज वाले से तुमको एक OH यहाँ पे आया, एक OH यहाँ पे आया, राइट, तो इससे मेरे को क्या मिल रहा था? डीएल मिक्सचर मिल रहा था। तो ट्रांस से क्या मिलेगा? मीजो ही कंपाउंड मिलेगा, सीधी सी बात है। तो ओवरऑल डिफरेंस ये है, लिख लो इसको फिर बताता हूँ। हाइड्रोक्सीलेशन रिएक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है? दो तरह से हाइड्रोक्सीलेशन हो रहे हैं, एक सीन एडिशन और एक एंटी एडिशन, राइट। सीन एडिशन के लिए मैं क्या ले रहा हूँ? एक तो ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, दूसरा KMnO4। इसके लिए मैं क्या ले रहा हूँ? AgO ले रहा हूँ या फिर पेरोक्सी ग्रुप को, ठीक। इसमें मैं जब चीजों को सीज से और ट्रांस रिएक्ट करवाता हूँ, और इसमें जब सीज और ट्रांस का रिएक्शन करवाता हूँ, तो ओवरऑल मेरे को सरप्राइजिंग प्रोडक्ट मिलते हैं। सीज पे जब तुम इसका रिएक्शन करवाते हो तो तुमको क्या मिला था? मीजो। और जब ट्रांस पे मैंने करवाया तो मेरे को डीएल मिक्सचर मिल रहा था, बट इसमें ऐसा नहीं हो रहा है। इसमें जब सीज में रिएक्शन हो रहा है तो डीएल मिक्सचर मिल रहा है, और ट्रांस में हमको मीजो मिल रहा है। तो ये चीज याद रखने वाली, समझा?